फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति की लाइफ स्टाइल में आपके चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए आंवले की चटनी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत गुड़ से बनाई जाती है। मैं आज गुड़ से बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। तो इसके लिए क्या क्या लगता है, आइए दिखाते हैं। मैंने ये आंवले ले लिए हैं और ये एक बड़ा चम्मच सौंफ लिया, जिससे मैंने दरदरा सा कूट लिया है इसको। और ये मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैंने आंवले लिए हैं इसको बॉईल कर लेते हैं हम लोग पहले। ये देखिए उबल चुका है मेरा आंवला। देखिए जब उबल जाता है तो अपने आप देखिए कलियां अपने आप निकल आती है। देखिए अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम सारी कलियों को अलग कर लेंगे। ये देखिए सारी कलियां देखिए उबल जाते अपने आप निकल जाती हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसे निकाल दीजिए। ये देखिए मैंने सारी जो कलियों को है एकदम अलग अलग कर लिया है। ये देखिए दिख रही है ना आपको। आप चाहे तो आप इसे मिक्सर में पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में पीसने से क्या होगा कि ज़्यादा बारीक हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप चम्मच से ऐसे मैश करें ताकि दरदरा भी रहेगा और टेस्ट आता है। इस तरीके से हम सब कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा ऐसे कर इसको मैश कर लिया है। जब अच्छे से उबल जाएंगे आपके आंवले ना, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। अच्छे से आपको ऐसे चम्मच कटीले वाले चम्मच से आप कर लीजिए। देखिए ज़्यादा उसको पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हो मिक्सर में पीस सकते हैं आप, लेकिन मुझे पेस्ट नहीं बनाना है, उस दरदरा ही रखना है। देखिए अब मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा हो जाएगा। जीरा हो गया है और जो सौंफ दरदरी पीसी थी उसे भी डालकर हम हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा हमने भूना नहीं है हमने। अब जो ये हमने लिया था आंवला, इसे हम ऐड कर देंगे। बाद में हम मसाले ऐड करेंगे, पहले इसे डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। तरीके से चला लीजिए और ऐसे से पकते जाएंगे ताकि हमारे आंवले हैं जो नहीं भी अच्छे से होंगे वो भी अच्छे से हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने जो आधी चम्मच लाल मिर्च ली थी और ये गरम मसाला ली थी उसे भी हम ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी ये आधी चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे हम इसमें। इसे भी अच्छे से हम पहले भून लेंगे इसे चलाकर। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से चला लेंगे हम। देखिए एक कलर मिर्च हमने डाली थी, कितना अच्छे से कलर आ रहा है। और इसे अच्छे से हम पहले भून लेंगे 2 मिनट तक। अभी जो है मेरा ये गुड़ है इसको देखो, इसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर दें। आप चाहें तो इसे चीनी डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का तो अपना अलग ही स्वाद होता है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे गुड़ को भी। गुड़ एकदम मेरा अच्छे से मिल चुका है और इसे हम ढक के 5 मिनट पका लेंगे। इसे ज़्यादा टाइम इसमें चाय चटनी में नहीं लगता है आपसे, और इसे घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। चाहे आप गुड़ के साथ ट्राई कीजिएगा, चाहे आप चीनी के साथ डाल के इसे अच्छे से बना लेंगे। इसे ढक कर हम 5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए अच्छे से मिल चुका है और अच्छे से जो मसाले थे वो पक चुके हैं। अब तेज फ्लेम में थोड़ा सा इसे और भून लेंगे। मेरी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप सफ़र में भी ले जाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होएगी। बाहर आप 1 हफ्ता आपकी चटनी चल जाएगी। आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीने तक आपकी ये चटनी चल जाएगी आंवले की। इसे मुड़ा और तो आप चलिए इसके बाहर अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं।
ये देखिए मेरे मुरब जो आंवले की चटनी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अगर ये आपकी चटनी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बजाना मत भूलिएगा, तभी आपकी जो मेरी जो आपके पास मेरी वीडियो पहुँचेंगी जब आप बेल बजाएंगे तो तब तक तो मेरी चटनी को इंजॉय कीजिए और बाय बाय।